लोकसभा के अंतिम चरण के चुनाव आज समाप्त हो गए और हम बात अगर इंदौर की करें तो इंदौर में 69 से लेकर 70% तक जो है वोटिंग हुआ है। और इंदौर सीट की बात करें तो इंदौर में पिछले 30 सालों से सुमित्रा महाजन यहां पे बीजेपी की सांसद थी, लेकिन इस बार थोड़ी कांग्रेस के प्रदेश में सरकार भी है और ये बड़ी एक टक्कर की बात थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन मतदान काफ़ी हुआ है, पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार 62.5 कुछ मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान ज़्यादा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी रुझान दिखाया है मतदान के प्रति। सुबह भी काफ़ी लोग जो हैं वो चले, दोपहर में थोड़ा सा ठंडा माहौल था, लोग गए नहीं थे, लेकिन बाद में शाम के टाइम जब थोड़ा ठंडा माहौल हुआ तो फिर लोगों की कतारें लगने लगी और फिर भारी मात्रा में एकदम वोटों का प्रतिशत बढ़ा। और अगर इंदौर सीट की बात करें तो अब दोनों प्रत्याशी, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जो प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब आप इंतज़ार कीजिए 23 तारीख का, आपको पता चलेगा कि खासकर इंदौर की बात कि ताई के पास जो चाबी है इंदौर की वो किसको मिलती है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर।